यूक्रेन में फंसी लड़की ने इंडियन एम्बेसी कर्मचारी विक्रम कुमार पर कॉल डिस्कनेक्ट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विक्रम कुमार हम लोगों को फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है, जबकि हम लोगों को कोई रास्ता बताने के बजाय ऐसा करने लगे तो हम क्या कर सकते हैं। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालो ताकि हम फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकाल सके। हमारे सामने इंडियन लड़कियों को पीटा जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। वे इस समय कहाँ हैं, कैसे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्लीज़ हमें बचा लो। इस लड़की की तकलीफ को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में क्या बीत रहा है। बने रहिए वीडियो में। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हज़ार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।